न्यू एजुकेशन पॉलिसी की यदि हम बात करें तो दिन प्रतिदिन जो चीज़ें हमें देखने में सामने आ रही हैं, लगता है कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी विद्यार्थियों के विकास के लिए नहीं, उनके लिए नुकसानदायक साबित होती जा रही है। अभी एक जो नियम आया है जिसमें बताया गया है कि BSc, BBA, BCA और BCOM के जो विद्यार्थी और ऐसे 11 कोर्सेस जिनके विद्यार्थी जो हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर के जो विद्यार्थी हैं, वो अपनी कॉपियाँ नहीं देख पाएंगे, आंसर शीट नहीं देख पाएंगे, पाएंगे। मतलब जो बच्चा कॉपी सबमिट कर देता है, रिजल्ट में अगर कोई त्रुटि आती है तो बच्चे क्या करते हैं, में अपनी कॉपी देखता है ओपन करवा करके और उसको करेक्ट करवा सकता है। लेकिन अभी जो नियम आया है इसके तहत इन्होंने क्या किया, वापिस उसे बंद कर दिया, जिसका सीधा असर विद्यार्थियों पर पड़ने वाला है। हम सभी जानते हैं कि जब कॉपियाँ चेक की जाती हैं तो वो जाहिर सी बात है प्रोफेसर्स के द्वारा चेक की जाती है, और हर इंसान का, हर व्यक्ति का अपना एक आउटलुक होता है, जहाँ पर कई बार हमने देखा है कि कुछ विद्यार्थी जो वास्तव में उनको ज़्यादा नंबर आने चाहिए लेकिन किसी न किसी कारणवश चेक करने में त्रुटि हो जाने से उनके नंबर कम आ जाते हैं या वो फेल हो जाते हैं। ऐसे में क्या करते हैं विद्यार्थी, अपनी कॉपी को रीओपन करवाते हैं, रिव्यू के लिए फॉर्म भरते हैं, और जब वो चेक करवाते हैं तो बाद में उन्हें वो अंक प्राप्त होते हैं जिसकी वजह से वो पास हो पाते हैं। लेकिन अभी जैसा एक नियम आया है कि ये विद्यार्थियों की ये जो उनके हित की बात थी, ये जो नियम था जिसमें वो चीज़ों का फ़ायदा उठा पा रहे थे, अब वो बंद किया जा रहा है, जिसका सीधा असर पड़ने वाला है। अभी एक स्क्रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इस पे देखिए ये जो पूरा का पूरा नियम आया इसकी डिटेल आई है न्यूज़ के अंदर, ठीक है, जहाँ पे क्या बताया गया है, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी ने रिव्यू व्यवस्था को ख़त्म कर दी है। कैसे कर दी है कि अब BA, BCOM और BBA, BSc और BSc UG के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर के जो रिजल्ट हैं इसके बाद रिव्यू आवेदन नहीं कर पाएंगे, ना ही कॉपी देख पाएंगे। उनके पास महज दो विषयों में रिवैल्यूएशन का विकल्प रहेगा। इसका फायदा तभी मिलेगा जब 10 या उससे अधिक अंक बढ़ेंगे, इससे कम अंक आने पर छात्रों को सप्लीमेंट्री या फेल माना जाएगा। अब देखिए इसका तो सीधा सीधा नुकसान होना है बच्चों को, ठीक है, फिर भी आगे देखिए और उसके अंदर क्या है। फैसले के मुताबिक कुल 9 विषयों में से फाउंडेशन के 4 विषयों में रिवैल्यूएशन का विकल्प ही नहीं है। यदि वो 4 विषय में से एक विषय में भी विद्यार्थी फेल हो जाता है तो वो रिवैल्यूएशन का फॉर्म नहीं डाल सकता। त्रुटियां हो सकती हैं, यूनिवर्सिटी से त्रुटि हो सकती है, नंबर भरने में त्रुटि हो सकती है, फाइल काउंटर फाइल बनाने में त्रुटि हो सकती है, जो रिपोर्ट ट्रांसफ़र होती है फैकल्टी से यूनिवर्सिटी को वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। इन सारी चीज़ों को विद्यार्थी कैसे जांचता था, रिवैल्यूएशन के माध्यम से। लेकिन जब ये चीज ही बंद कर दी जाएगी, जब ये सिस्टम ही बंद कर दिया जाएगा तो विद्यार्थियों के साथ कितना अन्याय होने वाला है। अगर कोई बच्चा पास है, किसी की त्रुटि की वजह से यदि उसके मार्क्स कम आते हैं या फेल होता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? जब वो वैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, रिव्यू का फॉर्म नहीं भर सकता, जब वो कॉपी खुलवा नहीं सकता, चीज़ों को वेरीफाई नहीं कर सकता, तो ऐसे केस में क्या होगा, वो फेल माना जाएगा या उसको सप्री आएगी? इसका पूरा का पूरा खामियाजा विद्यार्थी को भुगतना पड़ेगा, उसका ईयर बैक लग सकता है, उसका साल खराब हो सकता है। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये नियम आया है जो पूर्ण रूप से उस पर थोपा जा रहा है। आगे यदि हम बात करें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कर रही है, 2 लाख से ज़्यादा छात्रों पर सीधा उसका प्रभाव डाल रही है, जिसके तहत वो क्या कर सकते हैं, ना तो अपना मूल्यांकन फिर से करवा सकते हैं या मूल्यांकन में हुई गड़बड़ी को सुधरवा सकते हैं। अभी तक ये होता था कि अभी तक क्या होता था, फर्स्ट ईयर में लागू था नियम कि वो रिवैल्यूएशन नहीं कर सकता, लेकिन आगे तो वो कर ही पाता था। जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट तो जाहिर सी बात है करता था, क्योंकि फाइनल में जब रिजल्ट उसका खराब आता था तो वो रिवैल्यूएशन करा करके कॉपियाँ ओपन करवाता था और चेक कराता था। लेकिन अब क्या होगा, अब ये होगा कि वो सिर्फ 2 का कर सकता है और फाउंडेशन के जो 4 पेपर है उनमें कर ही नहीं सकता। तो ऐसे में यदि व्यक्ति, यदि स्टूडेंट का वहाँ पर रिजल्ट बैक लग जाता है या ईयर बैक हो जाता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं, कॉपियाँ चेक होती हैं, कॉपियों चेक करने में त्रुटि हो सकती है, पेज छूट सकते हैं कॉपी चेक करते वक्त, ठीक है, टोटलिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, ये सारी समस्याएं आती हैं और हम सभी ये जानते हैं कि इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बावजूद इसके ये जो नियम आया है वास्तव में कहीं ना कहीं इसका खामियाजा विद्यार्थी को भुगतना पड़ेगा, इससे छात्रों को नुकसान हो सकता है, ठीक है। अगर बात करें तो शिक्षाविद अपना क्या राय दे रहे हैं इसके बारे में, तो शिक्षाविदों का क्या कहना है, एक शिक्षाविद डॉक्टर संगीता भरुका कहती हैं कि रिव्यू व्यवस्था खत्म होने से छात्रों को नुकसान होगा। रिवैल्यूएशन के लिए 9 में से 2 विषयों का विकल्प दिया गया है, यह कम है। इसी के अलावा डॉक्टर अनस इकबाल मानते हैं कि कई बार कॉपी जांचने में चूक हो जाती है, ऐसे में रिव्यू
से गलती पकड़ में आती है, वहीं रिवैल्यूएशन में अव्यवहारिकता ज्यादा है। 1 से 9 तक अंक बढ़ते भी हैं और उसका छात्रों को फायदा भी मिलता है, लेकिन अभी क्या होगा, जब ये सिस्टम ही खत्म हो जाएगा तो उसका फायदा विद्यार्थी को नहीं मिलेगा। नई एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा इस सत्र से 3 वर्षों में लागू होगा। रिवैल्यूएशन व्यवस्था खत्म करना नई एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा है। 2023 सत्र के इस यूजी के 3 वर्षों में लागू हो गई है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल। अब जो भी मुख्य एग्जाम होगी उसमें छात्र व्यू के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, लेकिन रीवैल्यूएशन का सिस्टम जारी रहेगा। अब रीवैल्यूएशन और रिव्यू में अंतर समझ लीजिए। रीवैल्यूएशन क्या होता है, वहां पे सिर्फ नंबर्स की काउंटिंग वगैरह चेक की जाती है कि प्रॉपर है या नहीं, और रिव्यू में क्या होता है, विद्यार्थी कॉपी को ओपन करा के देख सकता है। तो यहां पर क्या किया गया है, रिव्यू का जो आवेदन है वो नहीं कर सकते आप, रिवैल्यूएशन तो करा ही सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक पक्ष रखा जरूर गया है, लेकिन रिव्यू ना करा करके ये कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि नुकसान हो सकता है इससे विद्यार्थियों को। तो इसके लिए शासन प्रशासन को एक बार जरूर सोचना चाहिए। धन्यवाद।